हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे अरहर की दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप अरहर की दाल। इसे हम दो तीन पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो इसे हमने तीन पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम कुकर लेंगे, इसमें हम दाल को डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बीच से इस तरह से लंबे आकारों में काट लिया है। एक मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। एक मीडियम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जिस कप से हमने दाल लिया है उसी कप से हम इसमें चार कप पानी डालेंगे। इसे मिला देंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे। तो कुकर को गैस पर हमने चढ़ा दिया है। इसमें फुल आंच पे चार सीटी लगने देंगे। तो अब चार सीटी लग चुके हैं। अब गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे और धीमी आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। एक बार इसे मिला देंगे। देखिए दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। गैस पर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच घी। आप घी की जगह पर तेल भी ले सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी अब थोड़ा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। 5 बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे। इसे मिला देंगे और लहसुन को थोड़ा सुनहरा होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 तेज पत्ता तोड़कर डाल देंगे। 1 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को हमने लंबे आकारों में काट लिया है। 1 लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इसे मिला देंगे। ध्यान रहे जीरा जलना नहीं चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे और इसे दाल में डाल देंगे और इसे तुरंत बंद कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह बंद रखेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। तो अब अरहर की दाल बनकर तैयार है। अब इस दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप भी इस तरह से दाल बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।